या हार होगी, इस मसले में रखा क्या है। मंजिल उसी को हासिल है जो चलने की पहल करता है। कुछ पाने के लिए पहल करना जरूरी है। अच्छी पहल से ही अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। आज देश की बात में कुछ ऐसे ही अलग अलग कोशिशों के बारे में आपको बताएंगे जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम कर रही है। अब जो पहल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये शिक्षा की दुनिया में क्रांति साबित हो सकती है, एक मिसाल बन सकती है। सर्व शिक्षा अभियान को सही मायने में एक दिशा दे सकती है। ये मामला है पंजाब के संगरूर का, जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूल ऑन व्हील्स कैंपेन शुरू किया है। एक बस को स्कूल बना दिया गया है। इस स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनकी पढ़ाई गरीबी की वजह से बीच में ही छूट जाती है। एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि स्कूल ऑन व्हील्स के नेम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संगरूर की तरफ से चलाया गया है। ये एक जॉइंट एफर्ट है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सबका उतना ही इक्वल योगदान है, जिसमें कि इन बच्चों के सेफ्टी इश्यूज और इनके चाइल्ड राइट्स को भी ध्यान में रखा गया है, जैसे कि बस में CCTV कैमरास, मेडिकल किट, सारी चीजों की इंस्टॉलमेंट है। और स्टार्टिंग फ्रॉम इन हर बच्चों का, ये एक 30 इनिशियल बच्चों का बैच बिगिन किया है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्लम एरियाज, बस्तियों के बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए, या कुछ ऐसे हैं जो इनरोल तो करा लिया बट किसी कारण वो स्कूल नहीं जा पाए। इन हर बच्चे का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई है जो कि फॉर्म नंबर 22 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिलेटेड में CNCP बच्चे का बनता है, जिससे बच्चे का बिहेवियरल इंटरेस्ट, फैमिली बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का पता चलता है। इन हर बच्चे की काउंसलिंग की गई है इन्हें एनरोल करने से पहले। इन बच्चों के साथ साथ इनकी फैमिलीज की भी काउंसलिंग की गई है ताकि इन्हें मोटिवेशनल माहौल मिले घर पे और ये एनरोलमेंट इनकी रिटेन की जाए कि कम ना हो और ये इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन कर सके। सर, ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे हम स्कूल में पढ़ाते हैं वो तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, बट जो सड़क पे रहते हैं उनको नहीं, कोई एजुकेशन नहीं मिल रही। हमारा मोटिव है कि उनको भी एजुकेशन मिले, वो भी हमारे साथ जुड़े और स्कूल में आए और एजुकेशन प्राप्त करें। उनको जोड़ने के लिए ये मुहिम चलाई गई है सर से, DC सर ने जो भी किया है, मतलब बस प्रोवाइड किया है, पूरा स्टाफ मिलकर इसको कर रहा है। हमारे पास बस में टोटली मटेरियल है, स्टेशनरी है, ब्लैक बोर्ड है और जो भी मतलब जो भी पढ़ाने का जो भी मटेरियल है वो प्रोवाइड है। यस, मिनी लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, स्केच हो गए, पेंसिल, ड्राइंग बुक्स, सब कुछ है। ऐसी करते हैं कि हर जगह चेंज करते हैं ताकि बच्चे बोर ना हो, उनको कुछ अच्छा लगे और अच्छी सी एजुकेशन प्राप्त करें। आज हम खेड़ी गांव के बागबनी में लेके आए हैं, जहाँ पे पेड़ और फ्रूट्स के बारे में उनको जानकारी दी गई है कि कौन से फ्रूट कैसे इनका कार है, कौन सा कलर है, कौन सा टेस्ट है, ये अलग अलग पेड़ के बारे में बताया, उनका पेड़ का कलर कैसा है, उसके पत्ते कैसे हैं, उसका क्या नाम है, ऐसे एजुकेशन दी जाए। आपने पूरे देश के स्कूल देखे होंगे, कभी आपने ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा जो स्कूल रोड पर चलता हो, यानी कि एक चलता फिरता स्कूल हो।
और खुद स्कूल बच्चों तक उनके घर तक जाता हो। लेकिन एक तस्वीर देखिए आप, हम इस समय एक बाग में खड़े हैं जहां पर अलग अलग तरह के फल लगे हुए हैं, लेकिन जो अध्यापक हैं, जो जहाँ के जो छोटे बच्चे हैं, जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, जो जिन्होंने कभी स्कूल तक नहीं गए, ना उनके जो माता पिता हैं उन्होंने उन बच्चों को भेजा, तो खुद एक पहला कह सकते हैं मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट से जो शुरुआत की गई है, बच्चों को पहले उनसे घरों से लाया गया, फिर ऑन रोड पर बच्चों को पढ़ाया गया, उसके बाद एक बाग में लाया गया। ये पूरी टीम है, आप देख सकते हैं कि पूरी जो टीम है जो काम करती है, अलग अलग विभाग हैं। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में कोई एक विभाग काम करता हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, टीचर हैं, अध्यापक, आप देख सकते हैं कि मैडम है जो बच्चों को बता रहे हैं कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा फल है, कब लगता है, तो आप देख सकते हो। मैम कैसे बच्चों को, अब पहला स्कूल है जो देखते हैं कि रोड पर चलता है, तो आप रोड पर पहले बच्चों को बस में स्टडी करवाई गई, तो उसके बाद आप बाग में लेके रहो, तो कैसे इनको क्या समझा रहे हो आप? सर बच्चे जो फ्रूट्स हैं मतलब पेड़ ते लगे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एटलीस्ट की है शहर दे बच्चे हैं ये जस्ट रेडियां ते देखते हैं अजकल तो, है ना, बच्चों नू नहीं पता कि फ्रूट किदा दा हुंदा है, किवें लगदा है, केड़े पेड़ ते लगदा है, इन्हां नाल नाल पत्तियां दी भी जानकारी दी जांदी है कि पत्ते दा देखो इहदा पत्ता इहदा ये आकार है, फ्रूट दा ये आकार है, इहदा ये टेस्ट है, आ इहदा नाम है, इंग्लिश च इहनू ये कहिंदे ने, पंजाबी च आपां इहदा ये नाम लैंदे हां। बच्चो कदे आए सी स्कूल पहलां गयो कदे? नाशपति एक बब्बू बोसा भी होंगे जी। देख सकते हैं क्योंकि जो बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, ये बच्चे आमतौर पर अपने घरों में रहते हैं, इनके जो माता पिता हैं कह सकते हैं वो स्लम एरिया में रहते हैं, कोई रोड पर काम करता है, तो लेकिन मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट में एक नई शुरुआत की गई है, एक स्कूल ऑन व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट लेकर आया, पायलट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जिसको अभी पूरे पंजाब में लागू करने की बात हो रही है कि अगर ये अच्छा रहा तो इसको पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा, जिसमें एक बस होगी, उस बस में बच्चे होंगे और टीचर होंगे, और बस वो सड़कों पर दौड़ेगी और सड़कों पर ही स्कूल चलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि पहले बच्चे स्कूल तक पहुंचते थे और अब स्कूल बच्चों तक पहुँच रहा है। ये प्रोजेक्ट हमने स्कूल ऑन व्हील्स एक ज्ञान किरणाधीच हो करके हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। यहाँ पर जो हमारी जिला प्रशासन की टीम है जिसमें मैं हो गया, ADCD हमारे वर्जीत वालिया हैं, IAS 2018 बैच के हमारे AC ग्रीवांसेस हैं, AC जनरल हैं देवदर्श जी, हम इस बात पे काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि जैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं या फिर वो उस ड्रॉप आउट होने के बाद भी अपने कुछ घरेलू कारण करके, या उनका मन नहीं होता, उन्हें एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं आता इस कारण, या कोई और भी कुछ कारण करके वो स्कूल में नहीं जा पाते। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम स्कूल ही उनके द्वारों पे क्यों ना लेकर जाएं, तो इसी बात से हमने इस प्रोजेक्ट का जो है इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करा और स्कूल ऑन व्हील्स इस प्रोजेक्ट को हमने लॉन्च किया, जिसमें कि हमने अभी शुरुआत में दो स्लम्स के गरीब बच्चों को इसमें लिया है और बच्चों का उत्साह बहुत है, बच्चे बहुत खुश हैं और मुझे बहुत खुशी होती है इन बच्चों को जब एजुकेशन मिलती है। मिशन जो ना सिर्फ बच्चों के भविष्य को निखारेगा बल्कि इससे प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई जा सकती है। पानी जिंदगी है, पानी के बिना गुजारा नामुमकिन है, पानी की थोड़ी सी कटौती भी लोगों को भारी मुश्किल में डाल देती है। मुंबई जैसे महानगर में तो लगभग पूरे साल ही पानी की कमी रहती है।
जबकि यही मुंबई जुलाई में बारिश के पानी में डूबी नजर आती है। लेकिन मुंबई में ही एक शख्स है जो इस बारिश के पानी को बचाने के लिए अनोखी मुहिम चला रहे हैं। पानी के लिए बने बोरवेल को रिचार्ज करना सिखा रहे हैं। मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में बने इस गड्ढे के पास इकट्ठा हुए लोग पानी बचाने का तरीका समझ रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये सिस्टम सुभाजीत मुखर्जी समझा रहे हैं। उनकी देखरेख में ही बारिश का पानी बचाने का ये सिस्टम तैयार किया गया है। वाटर इज लाइफ का संदेश लेकर सुभाजीत पिछले 10 सालों से पानी बचाने की मुहिम चला रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि पानी की कमी है, लेकिन अगर आप मई और जून महीने का न्यूज़पेपर उठाते हैं, आपको लगेगा कि शॉर्टेज है, टैंकर से पानी आ रहा है, लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और इस समय जुलाई में अगर आप देखेंगे कि वही जगह वही लोग पानी में डूबे हुए हैं। तो समस्या ये नहीं है कि पानी की कमी है, मतलब एक चीज़ श्योर है कि पानी ठीक से मैनेज नहीं हुआ है। उसी को करने के लिए हमारी कोशिश है कि सब मिलके एक जन आंदोलन बनाया जाए, जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाए और उसको अच्छे से मैनेज करे। और यही हमारी कोशिश है, ताकि लोगों को भगवान का दिया हुआ जो पानी जो फ्री है, उसको पानी पैसे देके ना खरीदना पड़े। मुंबई समेत महाराष्ट्र में लगातार पानी की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी पानी की किल्लत की वजह से बीएमसी हो या नगर पालिकाएं हो, बाकी की, उन्होंने वाटर कट करना शुरू कर दिया है। पानी की कटौती की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बीएमसी और सुभाजीत मुखर्जी ने मिलकर एक उपाय ढूंढ निकाला है। बारिश मुंबई में मूसलाधार होती है, मूसलाधार बारिश की वजह से कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है। उसी पानी को रिसाइकल करके किस तरीके से उपयोग करना है, इसकी मुहिम बोरवेल रिचार्ज और वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए की जाएगी बीएमसी और सुभाजीत मुखर्जी द्वारा। सुभाजीत का बनाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न सिर्फ आसान है बल्कि सस्ता भी है। यही नहीं, सुभाजीत का जोर पानी निकालने के लिए बनाए गए बोरवेल को रिचार्ज करने पर भी। पिछले 50 सालों में हमने सिर्फ बोरवेल बनाए हैं, उसमें से पानी निकाले हैं और उसको इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन उसमें जमा नहीं किया। अगर मैं बोलूं, जमीन के अंदर एक वाटर बैंक है, एक बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा टंकी है, जो पत्थरों के बीच में वो जो गैप होता है ना, जैसे मैं क्या बोलूं कि एक 15 फीट का गैप होगा 10 किलोमीटर लंबा, उसमें पानी सालों से सदियों से जमा हुआ है। हम लोग वो बोरवेल जैसा स्ट्रॉ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, उसे निकाल के इस्तेमाल कर लिए हैं और वो खाली हो चुका है। पूरे देश भर में 70% से ज़्यादा बोरवेल यानी भूजल, ग्राउंड वाटर जो हम अक्सर बोलते हैं, वो खत्म हो चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके उसी छेद, वही जो बोरवेल का जो पाइप है, उसी में जैसे हम पानी निकालते थे, हम उसमें डालना शुरू करें, ताकि ग्राउंड वाटर का जो बैंक है वो फिर पानी से भर जाए, हम उसको इस्तेमाल कर सकें। सुभाजीत मुखर्जी लगातार 10 साल से पानी किस तरीके से बचाया जाए उन मुहिमों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जब बोरवेल रिचार्ज की बात आती है और वाटर हार्वेस्टिंग की बात आती है, तो बीएमसी के 1600 से ज्यादा गार्डन हैं जहां पर सुभाजीत मुखर्जी ने ये मुहिम को शुरू किया है। वहीं अगर आपकी सोसाइटी में भी आप एक पिट बनाना चाहते हैं और बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्ट करना चाहते हैं और रिसाइकिल करके उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक आसान तरीका खोज निकाला है। देखिए, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत अलग लेवल पे काम कर रही है पानी का समस्या दूर करने के लिए शहर में, चाहे शॉर्टेज हो या वाटर लॉगिंग हो। बीएमसी गार्डन डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग ये सिस्टम गार्डन में लगाएंगे, वहाँ पे पोस्टर बैनर लगा के रखेंगे और जितने लोग गार्डन में घूमने आते हैं, आपको सुन के बहुत और भी अच्छा लगेगा कि बीएमसी में 1000 से ज़्यादा गार्डन है और उस गार्डन में हमने लगाना शुरू कर दिया है। 300 से ज़्यादा गार्डन में लग चुका है और हर गार्डन में 1000 से ज़्यादा लोग घूमने आते हैं। अब जो आके देखते हैं कि ये है तरीका, ये देखो पोस्टर, इसके ये फ़ायदा है, तो लोग अपने अपने घरों में लगाते हैं। पिछले एक सालों में कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहाँ ये लोग लगा चुके हैं बीएमसी गार्डन में देख के, उन्हीं से सीख के।
क्योंकि वो बहुत आसान है, सस्ता है और क्विकली आप लगा सकते हैं। आने वाले समय में शुभजीत मुखर्जी और बीएमसी के द्वारा ऐसी कई मुहिमें चलाई जाएंगी जहां पर पानी को बचाने के लिए अलग अलग तरीके भी खोज निकाले जाएंगे। मुंबई में ऐसी कई सोसाइटी हैं जो लगातार पानी की कटौती से जूझती हैं और दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। ऐसे में आने वाले दिनों में वाटर हार्वेस्टिंग और बोरवेल रिचार्ज जो शुभजीत मुखर्जी और बीएमसी मिलकर कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से शुभजीत मुखर्जी जुड़े हैं। शुभजीत, आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। थैंक यू रवीना जी। इनफैक्ट आई एम योर वेरी बिग फैन। आपने जो अंडर प्रिविलेज्ड जो बच्चे हैं उनको खाना खिलाने के लिए जो काम किया है स्पेशली पेंडेमिक में, मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ ऑन योर सोशल मीडिया। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि पानी बचाने का ये आइडिया आपको कहां से आया? देखिए, पानी बचाने का काम तो हम लोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब जल शक्ति अभियान शुरू हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें पानी बचाना चाहिए और बहुत बड़ी समस्या है इसके पीछे, क्योंकि हम लोग जब न्यूज़ में देखने लगे कि लगभग 70% से ज़्यादा पानी जो ज़मीन के अंदर है वो खत्म हो चुका है, और आज हम लोग जितना भी पानी पीते हैं ज़्यादातर पानी ज़मीन के नीचे से निकाल के हम पीते हैं, ये बहुत बड़ी, बहुत ही गंभीर समस्या है जिसमें हमें कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसीलिए हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा एक कैंपेन क्रिएट किया जाए, इसके पीछे पूरा अच्छे तरीके से फोकस करके काम किया जाए। महाराष्ट्र में कई और इलाके हैं जहां पानी का भारी संकट रहता है, क्या ये सिस्टम वहां नहीं लग सकता? देखिए, सोच इतना ही है, जो बारिश का पानी जो हमें भगवान देता है वो हम संजोग के रखें। अभी क्या हो रहा है, बारिश का पानी चला जा रहा है नदियों में, नालियों में, समुंदर में। जितना पानी हम रोक के रखेंगे उतना पानी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रोकने का क्या तरीका है, या तो आप तालाबों में रखिए, वो एक सही होता है, डैम बांध बनाते हैं हम लोग उसमें रखते हैं, और सबसे ज़्यादा हम कहाँ रखते हैं, ज़मीन के अंदर, क्योंकि भूजल जिसे हम कहते हैं ना, ज़मीन के अंदर जितना हम जमा करके रखेंगे उसको हम निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और निकालना हम सब अच्छी तरह जानते हैं, चाहे हम कुआं खोद लें या बोरवेल लगा लें। तो जब साइंटिफिकली हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमें नीचे से ही पानी संभाल के रखना है, उसको निकाल के इस्तेमाल करना है, और दूसरे जगह आंकड़े बताते हैं कि ज़्यादातर पानी खत्म हो चुका है, तो हमें उन्हीं बोरवेल को भरना ज़रूरी है, उन्हीं कुओं को भरना ज़रूरी है। तालाब जिसमें हम हमेशा पानी रखते हैं उन तालाब को साफ करके, डीसिल्टिंग कहते हैं हम उसको अक्सर, उसमें से सारा मट्टी निकाल के इस्तेमाल करें और उसमें पानी जमा करके रखें। तो यही सोच है पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी पानी की शॉर्टेज हो वहाँ पे हमें जल संचय यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी है, और यह सबसे आसान, सबसे इकोनॉमिकल और जल्दी से करने वाला टेक्निक है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बस उम्मीद है कि लोग इसमें जुड़ें और आसान तरीकों को लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों की मदद से अगर हम ये लोगों तक और पहुँचा सकेंगे तो पानी का जो ये समस्या है ये पूरा दूर हो जाएगा। कहते हैं जब तक कोई चीज किसी के काम की न हो तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो सामान किसी के लिए बेकार होता है वो सामान किसी और के लिए काम आ सकता है। कुछ इसी तर्ज पर चंडीगढ़ नगर निगम ने एक अनोखी पहल शुरू की है। स्वच्छ चंडीगढ़ मिशन के तहत शुरू की गई इस पहल से लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। किसी आम दुकान की तरह दिखने वाली कपड़ों की ये दुकान कुछ खास है। खास इसलिए कि यहाँ पर मिलने वाले कपड़ों की कीमत केवल 10 रुपए से शुरू होती है और अधिकतम 50 रुपए तक जाती है। सही सुना आपने, इस दुकान में रखे कोट, पैंट, टॉप, स्वेटर, कुर्ते, सभी कपड़ों की कीमत 10 से 50 रुपए के बीच है। दरअसल नया आसान नाम के सरकारी स्टोर पर मिलने वाले ये कपड़े पुराने हैं,
जिन्हें शहर के लोगों से दान लेकर जरूरतमंद गरीबों को बेचा जाता है। कॉरपोरेशन की मैम, कमिश्नर मैम ने एक ये लॉन्चिंग किया है हमारे सेल्फी ग्रुप के लिए, जिसका नाम है न्यासा। इसमें क्या है कि सारे कॉरपोरेशन एक स्वच्छ सवारी के नाम से एक गाड़ी दी हुई है जो थ्रू आउट सिटी में जाती है सेक्टर्स में, और वो हर तरह का जो अपना कपड़ा डोनेट करना चाहते हैं उसको डोनेट करके फिर वो गाड़ी यहाँ पर आती है और इसको डोनेट करती है, यहाँ पर इनको देकर जाती है। फिर इस कपड़े को वो सेग्रीगेट करते हैं, जिसमें से कि जो फटा हुआ कपड़ा होता है उसको स्टिच करते हैं, और जो ठीक कपड़ा होता है उसको प्रेसिंग वॉशिंग करके फिर यहाँ पर हैंग करके इसको 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। और कपड़े का अकॉर्डिंग है, अगर वो 10 रुपये का बेचने वाला तो 10 रुपये का मैक्सिमम कॉस्ट 50 रुपीज रखी गई है इसकी। और ये एमसी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको शॉप दी गई है, इसका कोई रेंट इनसे लिया नहीं जाता और इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं इनको इनसे लिया जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया सबका। ये स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कि जिसको कि हम जो पुराने कपड़े को कैसे रीयूटिलाइज कर सकते हैं, 3 आवर्स इनिशिएटिव लेकर कि कैसे इनको यूटिलाइज करके, और जो गरीब हैं, जो अर्बन पुअर हैं, जो कपड़ा नहीं खरीद पाते उनके लिए इनिशिएटिव है कि ये 1 रुपये में पहले जैसे लेते थे और अब 10 रुपये कर दिया गया ताकि अपनी कॉस्टिंग पूरा निकाल सकें इसमें से। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कमिश्नर मैम ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये किया है, न्यासा लॉन्च किया है। न्यासा पहल के जरिए चंडीगढ़ नगर निगम दानदाताओं और जरूरतमंदों के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। नगर निगम की एक गाड़ी शहर के रिहायशी इलाकों में जाकर लोगों से कपड़े दान में लेती है और फिर उन्हें स्टोर पर पहुंचा देती है। स्टोर में कपड़ों को न्यासा करने की जिम्मेदारी 10 महिलाओं के एक समूह को दी गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हमें यह सौंप दी गई है। हम इसमें दस महिलाएं काम करती हैं। इसमें डोनेट के हुए कपड़े आते हैं यहाँ पे हमारे दुकान पे। अच्छा। हमारी गाड़ी इनको जो गाड़ी लगी हुई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वो गाड़ी कपड़ा डोनेट करके लेके हमारे पास में आती है। हम उसको कपड़े को छाटते हैं, धोते हैं और प्रेस करके यहाँ पे दुकान में लगाते हैं उसको 10 रुपये पीस 20 रुपये पीस के हिसाब से। और सर इसमें हम 10 महिलाएं काम करती हैं, 5 महिलाएं धुलाई वगैरह करती हैं और 4 महिलाएं शॉप को देखती हैं, प्रेस वगैरह करती हैं, उनको तय लगा के सेल करती हैं। ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे मतलब जो लेडीजें आती हैं अपना उनको कपड़े पसंद आते हैं, जो ऐसे भी उनको पसंद आते हैं हम उनको सेल कर देते हैं। नए से दिखने वाले इन कपड़ों को खरीदने में जरूरतमंद लोगों को हिचक नहीं होती। स्टोर में आधार कार्ड दिखाकर कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीद सकता है। इस स्टोर में आने वाले खरीदारों को नगर निगम की ये पहल काफी पसंद आ रही है। ठीक ही है, जैसा रेट है वैसा कपड़े तो ठीक ही है। अच्छा। हाँ जी, मैं लेके गई हूँ। पहले भी लेकर गई? हाँ जी, एक दो बार लेकर गई हूँ। सूट वगैरह ले गई, और तो कुछ नहीं लिया मैंने, सूट लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पहले भी लेके गए, ठीक कपड़ा मिल जाता है, पहनने लायक साफ सुथरा होता है, अच्छा होता है। अच्छा। हाँ जी, तो मैं ले जाती कभी कभी यहाँ से भी। भारत समेत पूरी दुनिया में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसे निजात पाने के लिए हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, लेकिन अभी भी रोजाना निकलने वाले कचरे में आधे से ज्यादा प्लास्टिक मिलता है। इस प्लास्टिक वेस्ट से निपटने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, जो कि ना काफी है। ऐसे में दिल्ली की अर्चना दुबे ने एक नई आस जगाई है। वो प्लास्टिक वेस्ट को अपनी क्रिएटिविटी के जरिए सुंदर रूप दे रही है। अलग अलग रंग रूप वाले होल्डर, लैंप, फोटो फ्रेम, स्टैंड, स्टोरेज बॉक्स, फूलदान, घर सजाने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत सामान, जिस पर नजर जाए वही भा जाए। पहली नजर में ही ध्यान खींच रहा ये सारा सामान उन चीजों से बना है जो पहले कचरा हुआ करते थे। ये जादू है अर्चना दुबे की क्रिएटिविटी का।
31 साल की अर्चना सॉलिड वेस्ट से तमाम तरह के ऐसे सामान बनाती है जो लोगों के काम आ सके। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और ड्राई वेस्ट सॉलिड वेस्ट में काम करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वुड, पेपर, ग्लास बॉटल्स, ऐसे काफी सारे वेस्ट हम डील करते हैं और इसको हम अपसाइकिल करते हैं एक क्रिएटिविटी ऐड करके, ब्यूटीफुल कलर्स ऐड करके, जिससे कि हम एक यूटिलिटी और एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बनाते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को पेशा बनाने वाली अर्चना MBA करने के बाद IT सेक्टर में अच्छी जॉब कर रही थी, लेकिन कोविड के दौरान जब उन्हें ब्रेक मिला तो उन्होंने पूरी तरह से अपने स्टार्टअप ग्रीन ब्लू लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। इस चीज की शुरुआत एक्चुअली 2016 में ही हो गई थी, जब मैंने अपने जॉब से मैंने एक साल का ब्रेक लिया था और फिर उसमें मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा जॉब करनी चाहिए या जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ वो करना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स थे, एक साल तक बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियरिंग किया, बहुत सारा एक्सपोजर लिया डिफरेंट। देन एक इनर वॉइस से आया कि मुझे कुछ नेचर के लिए करना चाहिए, कुछ पर्यावरण के लिए करना चाहिए, एनिमल्स के लिए करना चाहिए। 16-17 में फ्रीलांस करते थे, बट आफ्टर कोविड यू नो वी हैड अ गुड टाइम, वी हैव अ गुड ब्रेक ड्यूरिंग कोविड। तो उसमें मुझे लगा कि इसको फिर ऑफिशियली करना चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को, जितना भी वो प्लास्टिक पॉल्यूशन से पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इसलिए फिर हमने इसको 2021 में ये स्टूडियो ग्रीन ब्लू लाइफ साकेत में खोला है। अर्चना अपने आर्ट वर्क में प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन, चम्मच, प्लेट जैसे कई वेस्ट सामान का इस्तेमाल करती है। अर्चना की बनाई कलाकृतियों में हर वो चीज शामिल है जिसे ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम और डाइनिंग रूम में सजा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें एनिमल थीम पर बनी होती है, जिसकी खास वजह खुद अर्चना से सुनी। लोकल घर में जो डेली वेस्ट जनरेट होता है, आपके स्नैक्स के पाउचेस हो गए, बॉटल्स हो गए, हम डेली जो ग्राउंड वेस्ट होता है उससे कलेक्ट करते हैं या डोनेट करते हैं लोगों से, हम उस पर काम करते हैं। सेकंड, इसमें हम एनिमल टच देते हैं सारे प्रोडक्ट्स में, ताकि एक हम एनिमल कंपैशन को हम एक सपोर्ट कर सके, प्रमोट कर सके। और थ्रू क्रिएटिविटी हम इसमें डिफरेंट कलर, ब्यूटीफुल थिंग्स हम इसमें बनाते हैं, जो एक आंखों को भी देख के आकर्षित लगे उस टाइप का। आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक के कचरे की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में अर्चना का स्टार्टअप एक उम्मीद जगा रहा है। उनकी बनाई ये सारी चीजें प्लास्टिक और बोर्ड वेस्ट से बनी है, जो सालों तक डीकम्पोज नहीं होती। इससे पर्यावरण को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, घर में रखे ये सामान मॉडर्न आर्ट का लुक भी देंगे। अपने विजन पर काम कर रही अर्चना चाहती है कि आने वाले समय में वो एक ऐसा मॉल खोले जो सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से बना और दिखने में बहुत अलग और खास हो। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अर्चना दुबे जुड़ी हैं। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मैम कि मेरे को अपना जो मेरी एक हॉबी थी उसको मैं एक आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर पा रही हूँ, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका कि आप मेरे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं और आज इस प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर रहे हैं। अर्चना जी, आपने वेस्ट को भी काम में ला दिया है, ये बड़ी बात है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको आपके काम के लिए? रिस्पॉन्स जो भी वेस्ट से हम बनाते हैं उसका रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है, लोग क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बहुत क्रिएटिव है। लेकिन हम इस चीज़ को लोगों के, जैसे स्वेटर बुनते हैं, जैसे हम घरों में बहुत सारे काम करते हैं, हम उतना नॉर्मल इसे बनाना चाहते हैं कि लोग आए, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, और हम भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें और अपने इस अपसाइकिल के वर्कशॉप्स को या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। वैसे हमें पता चला है कि आप एक प्लास्टिक मॉल बनाना चाहती हैं, थोड़ा हमें भी बताइए क्या है आपका ये बढ़िया सा विजन? प्लास्टिक मॉल इन द सेंस कि जो भी जितना भी प्लास्टिक हम लोग जनरेट करते हैं, अब आजकल के लोग जैसे
कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि लोग सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा बात कर रहे हैं या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे ज्यादा बात कर रहे हैं, नेचुरल लाइफ एनवायरनमेंट अपने आप को मतलब अच्छे एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसकी हजार साल तक वो एक पड़ा रहता है, 800,000 साल तक पड़ा रहता है हमारे पृथ्वी पे। लेकिन जैसे हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमारे कहाँ से आते हैं? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमारे पेड़ों से आते हैं और जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत पेड़ काटे जाते हैं तब वो सामान बनता है। लेकिन प्लास्टिक जो कि जिसकी आयु इतनी है और जो ऑलरेडी हमारे पास इतना है, एग्जिस्ट करता है हमारे प्लैनेट पे, हमारे पृथ्वी पर, तो वो तो हमारे पास है ही, वो एग्जिस्टिंग है। हम उसका क्या समाधान करेंगे? क्या हम उसको, जैसे अगर नदियां हैं तो उसमें से जो कचरा निकला है वो हम लेके फेंक देंगे? जब सफाई करेंगे तब उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो वो प्लास्टिक है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम वैसे ही प्लास्टिक वेस्ट को एक यूटिलिटी प्रोडक्ट, एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट में हम ट्रांसफर करते हैं और इसी प्रोडक्ट से ही हम आगे एक छोटा सा, अभी तो एक छोटा स्टूडियो है, फिर आगे इसका थोड़ा धीरे धीरे इसका एक शॉप खोलेंगे, अपसाइकिल गिफ्टिंग शॉप, एंड देन आगे जैसे भी है समय हमें जैसे ले चलेगा, और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि एक ऐसा मॉल बने जहाँ पे सारी ही चीज़ें अपसाइकिल चीज़ों मतलब अपसाइकिल्ड हो और सारा ही वेस्ट को यूटिलाइज करके बना हो। तो ये मेरा एक है, हमारे देश में अभी तक इस चीज़ को लोग अवेयरनेस मतलब अभी बहुत लोग जानते भी नहीं हैं अपसाइकिलिंग क्या होता है या बेस्ट फ्रॉम वेस्ट समझ के वो लोग डिनाई करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कैसा मॉल बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके स्टार्टअप के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ रवीना मैम आपको, ताकि आप जैसे हम महिलाएं हैं, काफी सारी महिलाओं को हम एक टीम बनाकर हम एक इस चीज को और ही बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो आप सभी का साथ सपोर्ट मिले तो हम बहुत कुछ आगे इसमें कर सकते हैं। दुनिया भर में आई कोविड महामारी ने हम इंसानों को बहुत कुछ सिखाया है। इस दौरान देश में कई पॉजिटिव बदलाव भी आए हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई तरह की पहल की गई है। एक ऐसी ही पहल उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने की है। कोरोना काल में शुरू हुई उनकी ये पहल अब एक मिशन बन गई है जो कई चेहरों पर मुस्कान बिखेर रही है। जहाँ चाह वहाँ रह, इस बात को सच साबित कर दिखाया है मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने। कमिश्नर आंजनेय की पहल का ही नतीजा है कि आज अली हसन और आशु जैसे न जाने कितने मासूमों की जिंदगी बदल गई। एक वक्त था जब इन बच्चों के माता पिता अपने नौनिहालों को गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए दर दर की खाक छान रहे थे, मगर इन बच्चों की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए ये अधिकार। वैसे तो आंजनेय कुमार सिंह सरकारी तंत्र का हिस्सा है, मगर उन्होंने बगैर किसी सरकारी मदद के ही कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई, और ये सब संभव हो पाया उस चाइल्ड केयर फंड की बदौलत जिसकी शुरुआत उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कोरोना काल में की। सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स में कई बार ऐसा होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कई लोग कवर नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए जरूरी था कि हम लोग अलग से कोई सपोर्ट बनाते। इन सारी चीजों को मिलाकर फिर दिमाग में आया कि हम क्यों ना एक ऐसा फंड एस्टेब्लिश करें जिसमें लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन से हम इस तरीके की चीज़ों में मदद कर पाएं जहां सरकारी स्कीमें कवर नहीं कर पाती लोगों को और तत्काल मदद की ज़रूरत होती है। तो फिर वापस आके इस पर बात करके हमने चाइल्ड केयर फंड की स्थापना अब सबसे पहले की, और उसमें मैंने अपनी तरफ से 10,000 रुपये जमा किए, मेरी वाइफ ने 10,000 रुपये जमा किए, कुछ अधिकारियों ने, और ये एक रेजोल्यूशन लिया कि इसमें जितना हो सकता है, चाहे 1 रुपया से लेकर 100 रुपया, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से हरदम जमा करते रहें।
अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी इस पहल को मिशन का रूप देने में उनके साथियों और दोस्तों ने भी भरपूर मदद की। चाइल्ड केयर फंड में आने वाली रकम का इस्तेमाल किस तरह से जरूरतमंद बच्चों के इलाज के लिए किया जाएगा, इसकी पूरी रूपरेखा तय है। मंडल स्तर पर हमने एक चाइल्ड केयर फंड एस्टेब्लिश करने की सोची और उसको पूरे अपने मंडल के सारे जिलों में, पांच जनपद हैं, पांचों जनपदों में उसको उसकी एक तरीके से ब्रांचेज की, तो उसमें रामपुर के चाइल्ड केयर फंड को भी समाहित किया और एक फ्रीडम दी डीएम्स को, एक सोसाइटी बनाई अधिकारियों की, और वो ऐसी सोसाइटी जो जनरल एंड चाइल्ड केयर फंड रखा। जनरल का के पीछे तात्पर्य ये था कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे की नीड यानी उसकी मुश्किल को बिना उसके पेरेंट की हेल्प किए हम नहीं कर सकते, चाहे उसकी आजीविका से रिलेटेड हो, या अगर केवल हम उसको चाइल्ड तक सीमित रख देंगे, बच्चे तक सीमित रख देंगे, तो हमारी सीमितता बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि बच्चे के अलावा किसी और की मदद नहीं कर पाएंगे। तो उसको जनरल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के तौर पर हमने एस्टेब्लिश किया। जो सिलसिला रामपुर में एक बच्चे की बेबसी देखने के बाद शुरू हुआ था, वो अब तक जारी है। बीते दो सालों में 900 से ज्यादा बच्चों का इलाज कराकर उनकी जिंदगी खुशहाल बनाई गई है। जरूरतमंद बच्चों का इलाज आगे भी ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए आंजनेय कुमार सिंह ने एक अनोखी पहल भी की। सारे लोगों से पहले रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि कोई मेरे पास बुके नहीं लाएगा, कोई मिठाई नहीं लाएगा, मिठाई में खाता नहीं, और बुके आपका दो दिन में नष्ट हो जाएगा, फोटो हमारे साथ आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया होगा कि कुछ तो देते हुए फोटो लेना है, उससे बढ़िया आप एक प्रशस्ति पत्र मैं आपको दूं और आप फोटो ले लें। तो अगर आप 50 रुपए भी जमा करते हैं, 100 रुपए भी जमा करते हैं, तब भी मैं आपको प्रशस्ति पत्र दूंगा उसका कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया, एक रिकग्निशन दूंगा। और ये इतना क्लिक हुआ कि बहुत भारी संख्या में लोग आने लगे और उन्होंने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, और तब हमने ताकत देखी कि 50 रुपए और 100 रुपए का जब कंट्रीब्यूट लोग करते हैं, उस 50 रुपए 100 रुपए में कितनी ताकत होती है कि बहुत जल्दी हमारा 48 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ। रामपुर के जिलाधिकारी सर्वेश कुमार भी इस मुहिम का हिस्सा है। उन्हें इस मिशन से जुड़ने की प्रेरणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली। जहाँ तक गवर्नमेंट से मोटिवेशन की बात है, तो लगातार हम देखते हैं कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी बच्चों के प्रति विशेष रूप से बहुत ज़्यादा अनुराग रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उनसे। तो जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उनसे भी हमें मोटिवेशन ये मिला कि इसको और आगे बढ़ाकर हम अपना व्यक्तिगत सहयोग इस प्रकार से इस पूरी मुहिम में कर सकते हैं कि बच्चे अच्छा अपना जीवन जिए। आपने देखा होगा कोविड के बाद में जो बच्चे अनाथ हुए थे, तो भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा भी बाल सेवा योजना शुरू की गई, उत्तर प्रदेश में बाल सेवा योजना शुरू की गई। तो जब हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जो समाज का प्रत्येक वर्ग है, बच्चे बहुत उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उनके जीवन में कैसे एक पॉजिटिविटी आए, उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि मिशन मुस्कान और मिशन समर्थ के तहत ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो सरकारी योजनाओं के लाभ के दायरे में नहीं आते। उसका एहसास मुझे हुआ, कई बार ऐसे मौके आए जब पता चला कि किसी न किसी तरीके की चीज़ें लोग अभाव महसूस करते हैं, और तत्काल उसमें जब जाते हैं तो हम उनको सामान्य तौर पे, एक अधिकारी के तौर पे मैं देखूंगा कि गवर्नमेंट की स्कीम में है कि नहीं है, वो लाभार्थी है कि नहीं है, एलिजिबल है कि नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता कि मैं कह दूँ कि नहीं हो सकता। तो फिर मंडल स्तर पर हमने एक चाइल्ड केयर फंड एस्टेब्लिश करने की सोची और उसको पूरे अपने मंडल के सारे जिलों में, पांच जनपद हैं, पांचों जनपदों में उसको उसकी एक तरीके से ब्रांचेज की। इस मिशन की सफलता को देखते हुए अब इसे पूरे प्रदेश के दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए इससे जुड़ा एक प्रेजेंटेशन बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी दिखाने की तैयारी। हम लोग चाहते थे कि ऐसे पॉजिटिव एग्जाम्पल सामने आए, ताकि इस पूरे मुहिम को, इसका पूरा प्रेजेंटेशन बना के हम इसको हमारे सीनियर ऑफिसर्स को और ऑनरेबल सीएम सर को भी प्रेजेंट करेंगे कि ये मुहिम केवल रामपुर की मुहिम ना बन जाए, इसको पूरे प्रदेश में रेप्लिकेट किया जा सकता है। और अगर एक भी बच्चे का जीवन, अगर हम लोग इस पूरी मुहिम में 62 में से अगर एक भी बच्चा चलने में, फिरने में अगर समर्थ हो जाता है, तो आप देखिए कि उनके पूरे परिवार में, उस बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन आया और कितना आशीर्वाद वो हमें देगा। ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद बच्चों को लाभ मिल सके, इसके लिए मिशन को सोशल मीडिया के जरिए भी फैलाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।